यौन उत्पीड़न मामला था ये, सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। तीन आरोपी दोषी करार हुए हैं और ये फैसला सुना दिया गया है। तारा शाहदेव मामले में सजा के बिंदु पर 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि तारा शाहदेव मामला 8 साल से जो था ये केस चल रहा था और इस पर आज फैसला आ गया है। सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और तीन आरोपी दोषी करार हुए हैं। सजा के बिंदु पर 5 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। सजा के बिंदु पर 5 अक्टूबर को जो है फैसला आएगा और ये सुनवाई होगी। तो तारा शाहदेव मामला आपको बता दें इस पर 8 साल से जो है ये केस चल रहा था और यौन उत्पीड़न का ये मामला था जिस पर आज सीबीआई की तरफ से फैसला सुना दिया गया है। तीन आरोपी दोषी करार हुए हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने ये फैसला सुनाया। अभी सजा के पॉइंट पे सुनवाई होनी बाकी है। अभी कितना सेंटेंस होगा उस पर अभी बाकी है। कन्विक्शन हो गया है, हम लोग देखेंगे, हम लोग अपील करेंगे और अपील में हमको उम्मीद है कि हम लोग को रिलीफ मिलेगा। 100% हम श्योर है कि हम लोग को रिलीफ मिलेगा। इसमें अभी सेंटेंस के पॉइंट पर हियरिंग बाकी है। हम लोग सेंटेंस पर बात करेंगे, हम लोग आर्गुमेंट करेंगे। नेक्स्ट डेट जो दिया है, कौन तारीख को दिया है, वो 5 तारीख का है। वो सेंटेंस के पॉइंट पर हम लोग उस पर आर्गुमेंट करेंगे। तीनों आरोपी सर दोषी पाए गए? हाँ, तीनों के बारे में कहा गया दोषी है। कौन है वो तीनों? रकीबुल हसन है। पूरा मामला एक बार बता दीजिए सर, क्या मामला? देखिए, 498A का केस था, 376 था, अदर सेक्शंस भी थे लगे हुए उसके अंदर में, बहुत से उसमें से कुछ में बरी किया गया है, कुछ सेक्शंस में जो है सो सजग दिया गया है। तो अब सेंटेंस के पॉइंट पर हम लोग उस दिन सुनेंगे और उसके बाद ही अब फाइनल ये हम लोगों का वर्डिक्ट आएगा कोर्ट से, एंड देन विल प्रिफर अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। ये मैटर जो है हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इसको किया है और उम्मीद है हमको जस्टिस मिलेगा और लेट अस सी, होप फॉर गुड। हम लोगों ने तो अपना जो केस रखना था रखा है कोर्ट के सामने और मोस्ट लाइकली हमको लगता है कि हम लोग को जरूर इसमें इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट हम लोग जाएंगे इस पर। तीन एक्यूज हैं इसके अंदर में, रकीबुल हसन है, मुश्ताक अहमद हैं और रकीबुल हसन के जो जिसको कहा गया रकीबुल हसन है, एक्चुअल में उनका नाम जो है रंजीत सिंह कोहली है और हम लोगों ने यही कहा है कि रंजीत सिंह कोहली है वो, उनकी मदर, और ये तीन आदमी हैं उनके अंदर में। ठीक है, तो सीबीआई कोर्ट ने आज जो फैसला सुना दिया तारा शाहदेव मामले और यौन उत्पीड़न मामले में, जिसमें तीन आरोपी दोषी करार हुए हैं और आपको बताएं इन तीनों का नाम रंजीत कोहली यानी कि रकीबुल हसन जो है और उनकी जो माँ है कौशल्या रानी वो, और उनके साथ मुश्ताक अहमद, इन तीनों को दोषी करार दिया गया है। तारा शाहदेव यौन उत्पीड़न मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत में फैसला सुना दिया गया, जिसमें तीन दोषी जो है वो करार किए गए हैं, तीन दोषी, और सजा के बिंदु पर जो है 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
जी भैया 9 साल लगे हैं इस इंसाफ को आते हुए, बस 9 साल में अगर उनको सजा मिलता है तो ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा फैसला होगा। आप सबका धन्यवाद। जी थैंक यू, थैंक यू। जी भैया मेरी लड़ाई इसी पहचान की तो थी, जब मेरी शादी हुई थी तो रंजीत सिंह कोहली के नाम इंसान से हुई थी, ना कि रकीबुल से। इसी बात का लड़ाई था और इसी का इंसाफ में मांग रही थी जो आज मिला है। तो ये तारा अर्शादे थी जिन्होंने कहा, अभी बताया कि इस फैसले का उन्हें बहुत दिनों से इंतजार था और आज वो फैसले की घड़ी थी जो फैसला उनके पक्ष में आया। अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव चैट पर हमारे सहयोगी दीपक जुड़े हैं हमारे साथ। दीपक, फैसला जो है सीबीआई की तरफ से आ गया है और फैसला जो है तारा शाहदेव के पक्ष में आया और 3 दोषी करार दिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए राइफल शूटर तारा शाहदेव से जुड़ा यौन पीड़न मामले का जो सुनवाई है वो एक लंबे समय से सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही थी और बीते 23 सितंबर को ही सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई पूरी हो गई थी और सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात फैसला को सुरक्षित रख लिया था और आज जजमेंट पर सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित थी। आज फैसला सीबीआई की विशेष अदालत के द्वारा सुना दिया गया। इस मामले में जो 3 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे, रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उनकी मां कौशल्या रानी और झारखंड हाई कोर्ट के बर्खास्त रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद, ये तीनों आरोपी को सीबीआई की विशेष अदालत ने तमाम साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी पाया है और चूंकि इन लोगों के ऊपर कई सेक्शन लगाए गए थे तो कई सेक्शन में दोषी पाया गया है, कई सेक्शन में बरी भी किया गया है, लेकिन तीनों आरोपी को दोषी करार दे दिया गया है। अब जो है सजा के बिंदु पर 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी तो अब देखने वाली बात होगी कि 5 अक्टूबर को जो है वो क्या कुछ जो है सेंटेंस अदालत के द्वारा सुनाया जाता है, कितना सजा का ऐलान जो है अदालत के द्वारा किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से ये जो मामला है साल 2014 का, 7 जुलाई 2014 को तारा शाहदेव की जो शादी हुई थी रंजीत कोहली के साथ और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद से ही लगातार तारा शाहदेव पर जो है प्रताड़ना किया जाता था, रंजीत कोहली के द्वारा निकाह करने के लिए भी दबाव बनाया जाता था, यानी कि धर्म परिवर्तन करने के लिए वो हमेशा उस पर दबाव बनाया जाता था। जब इसका विरोध उनके द्वारा की जाती थी तो उन पर जो है शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना किया जाता था। इस तरह का गंभीर आरोप लगाते हुए जो है हिंदपीढ़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और हिंदपीढ़ी थाना में जब प्राथमिकी दर्ज हुई उसके बाद जो है रांची पुलिस कार्रवाई करते हुए दिल्ली से जो है रंजीत कोहली को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद उसके बाद ये जो मामला है कई दिनों तक सुर्खियों में रहा, काफ़ी चर्चा में रहा। ट्रायल इसकी जो शुरुआत हुई वो साल 2018 में हुई, चूँकि 2015 में इस मामले को सीबीआई ने टेक ओवर किया और जांच शुरू की और जांच शुरू करने के बाद साल 2018 में सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप गठन किया गया, आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हुआ, उसके बाद ट्रायल शुरू हुआ और ट्रायल जब चला उस दरमियान अगर बात करें तो सीबीआई के द्वारा कुल 26 गवाह पेश किए गए थे, जबकि बचाव पक्ष के द्वारा अगर बात करें तो कुल 4 गवाह पेश किए गए थे। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट या साक्ष्य जो सीबीआई
पाइप को बरामद हुआ था वो तमाम साक्ष्य जो है सीबीआई की विशेष अदालत में सीबीआई के द्वारा पेश किया गया था। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के तमाम बिंदुओं को पर जो है वो सुनवाई हुई, एक लंबे समय तक सुनवाई हुई और अंततः फैसला आज आ गया है, तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है। अब जो है वो सजा के बिंदु पर सुनवाई होनी है, तो कितना सजा का ऐलान जो है सीबीआई के विशेष अदालत से किया जाएगा इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि 5 अक्टूबर की तिथि निर्धारित है, तो उसी दिन पता चलेगा कि इन आरोपियों को क्या क्या सजा और कितना सजा होती है सीबीआई के विशेष अदालत से। जी जी बिल्कुल, आप देखने वाली बात होती है कि 5 अक्टूबर को क्या कुछ जो है सजा इन लोगों को सुनाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। ताराव शाहदेव यौन उत्पीड़न मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत में फैसला सुना दिया गया है और 3 दोषी करार दिए गए हैं। तीनों को सजा जो है वो 5 अक्टूबर को सुनाई जाएगी। बाद में इसको ट्रांसफर किया गया केस की ग्रेविटी को देखते हुए सीबीआई को, फाइनली सीबीआई ने दोबारा से उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया मजिस्ट्रेट के पास दिल्ली में, उसके बाद फिर चार्जशीट फाइल किया। चार्जशीट फाइल करने के बाद ट्रायल हुआ, 9 साल के पूरी जद्दोजहद के बाद आज न्यायालय से उसको न्याय मिला है। रकीबुल को 376(2N), 392, 398, 323, 506 and 120B आईपीसी के सेक्शन में कन्विक्ट किया गया है। सजा पे बहस 5 तारीख को होगी। कौशल रानी को 298, 323 and 406(120B) में उनको कन्विक्ट किया गया है। मुश्ताक अहमद को 298 and 120B में कन्विक्ट किया गया है। नहीं देखिए ऐसा है, सेंटेंस पे जो भी बात होगी हम 5 को करेंगे, आज कन्विक्शन की बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। वो कहीं ना कहीं न्यायालय के साथ अवहेलना होगा कि हम केवल आपको सेक्शन बता रहे हैं, आईपीसी के प्रोविजन सबको ये वाकिफ है, ये भारत का कानून है, आप लोग इसको देख सकते हैं किसमें क्या सजा है। अभी सजा में कोई न्यायिक हिरासत में लिए गए हैं और 5 तारीख पे उससे बहस होगा, बहस के बाद फाइनल होगा। सजा पे कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा, अभी जेल भेज दिया जाएगा। जी सर, इससे पहले इन्होंने कितनी सजा काटी है अब तक? पे विश्वास था, उन्होंने न्याय किया है, बस मुझे इतना यकीन है और जो सजा मिलना चाहिए उनको वो मिले, बस इतना ही प्रार्थना है। जी जी भैया, 9 साल लगे हैं इस इंसाफ को आते हुए, बस 9 साल में अगर उनको सजा मिलता है तो ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा फैसला होगा। आप सबका धन्यवाद। जी थैंक यू जी। भैया मेरी लड़ाई इसी पहचान की तो थी, जब मेरी शादी हुई थी तो रंजीत सिंह कोहली के नाम इंसान से हुई थी, ना कि रकीबुल से, इसी बात का लड़ाई था और इसी का इंसाफ में मांग रही थी जो आज मिला है। अभी बाकी है, कन्विक्शन हो गया है, हम लोग देखेंगे, हम लोग अपील करेंगे और अपील में हमको उम्मीद है कि हम लोग को रिलीफ मिलेगा। 100% हम श्योर है कि हम लोग को रिलीफ मिलेगा। इसमें अभी सेंटेंस के पॉइंट पर हियरिंग बाकी है, हम लोग सेंटेंस पर बात करेंगे, हम लोग आर्गुमेंट करेंगे। नेक्स्ट डेट जो दिया है, कौन तारीख को दिया है वो? 5 तारीख, 5 तारीख का है वो सेंटेंस के पॉइंट पर, हम लोग उस पर आर्गुमेंट करेंगे। तीनों आरोपी सर दोषी पाए गए? हाँ, तीनों के बारे में कहा गया दोषी है। कौन है वो तीनों? रकीबुल हसन है। पूरा मामला एक बार बता दीजिए सर, क्या मामला देखिए 498A का केस था, 376 था, अदर सेक्शंस भी थे लगे हुए उसके अंदर में, बहुत से उसमें से कुछ में बरी किया गया है, कुछ सेक्शंस में जो है सो सजग दिया गया है। तो अब सेंटेंस के पॉइंट पर हम लोग उस दिन सुनेंगे, उसके बाद ही अब फाइनल ये हम लोगों का वर्डिक्ट आएगा कोर्ट से, एंड देन विल प्रीफर अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। ये मैटर जो है हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इसको किया है और उम्मीद है हमको जस्टिस मिलेगा और लेट अस सी, होप फॉर गुड। हम लोगों ने तो अपना जो केस रखना था रखा है कोर्ट के सामने और मोस्ट लाइकली हमको लगता है कि हम लोग को ज़रूर इसमें इंसाफ मिलेगा, हाई कोर्ट हम लोग जाएंगे इस पर। तीनों तीन एक्यूज हैं इसके अंदर में। कंप्लेन किया था, उस कंप्लेन पे
पहले झारखंड पुलिस ने, उसके बाद सीबीआई ने इनको इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल किया, उस पर ट्रायल हुआ। ट्रायल के बाद आज रकीबुल को 396-2N IPC, 496-298-323-4506 and 120B के तहत कन्विक्ट किया गया है न्यायालय के द्वारा। कौशल रानी को 298-323 and 506 अलॉन्ग विथ 120B में कन्विक्ट किया गया है न्यायालय के द्वारा, और मुश्ताक अहमद को 298 अलॉन्ग विथ 120B IPC में कन्विक्ट किया गया है। सेंटेंसिंग की पे बहस 5 तारीख को होगी, 5 अक्टूबर को होगी, उस पर चर्चा उस दिन करेंगे। सर ये पूरा मतलब कितना वर्ष लग गया? 9 साल लग गए इस ट्रायल को कंप्लीट होने में, FIR से लेकर के आज के दिन तक। सीबीआई के द्वारा जो 26 गवाह पेश किए गए थे, वो गवाह काफी महत्वपूर्ण रहे आरोपियों को। आखिर न्यायालय ने अगर इस मुकाम पे पहुंचा है, सबको कन्विक्ट किया है, अभी हम लोगों ने जजमेंट नहीं देखा है, जजमेंट में कैसे क्या, किसने क्या एविडेंस दिया, कैसे कोर्ट ने उसको माना है, लेकिन बिना गवाह के, बिना सीबीआई के मेहनत के न्यायालय किसी को कन्विक्ट नहीं करते। अगर सफिशियंट एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं होते तो न्यायालय उनको कन्विक्ट नहीं करते। नहीं, सजा पे बात हम लोग 5 तारीख को करेंगे। मैं अजय कुमार सिंह अधिवक्ता हूँ, मैं तारा सहदेव के साथ के लिए सार्थक और शाश्वत प्रदीप कुमार, प्रदीप कुमार विजय पांडे जी के साथ अपीयर हुआ। सर कहाँ गए? रिक्की साहब, रिक्की साहब हो गया आपका। अदालत में आज ये फैसला सुनाया गया। तारा शाहदेव यौन उत्पीड़न मामले में रकीबुल हसन, जो कि रंजीत कोहली बनकर तारा शाहदेव से शादी किया था और इसी की लड़ाई थी, तारा शाहदेव का रंजीत कोहली से इसी बात की लड़ाई थी और इसी चीज का इंसाफ जो है वो चाहती थी कि उन्हें मिले, जो प्रताड़ना उन पर की गई, जो टॉर्चर उन्होंने सहा, उन सभी का आज जो है फैसला सीबीआई की तरफ से। आपको बताया कि सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कुल 26 गवाह पेश किए, वही बचाव पक्ष ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 4 गवाह प्रस्तुत किए थे। सीबीआई ने इस केस को वर्ष 2015 में टेक ओवर किया था। 2 जुलाई 2018 को कोर्ट ने आरोप गठित किया था। 7 जुलाई 2014 को तारा शाहदेव और जीत कोहली की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी के दूसरे ही दिन यानी कि 8 जुलाई को इस्लाम धर्म के मुताबिक निकाह करने का आरोप तारा शाहदेव के द्वारा रंजीत कोहली यानी कि रकीबुल हसन पर लगाया गया था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।